हेलो फ्रेंड्स, आज का इंडिया सर्च करेगा हमारा टॉपिक है कि नाखूनों को सफ़ेद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारे नेल्स पीले या काले क्यों हो जाते हैं। अगर हम नेल्स में गंदगी जमा करते जाएं या हमारे नेल्स पर ध्यान ना दें तो हमारे नेल्स काले या पीले होने लग जाते हैं। हमारे नेल्स के काले या पीले होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी, और फिर इसके 4 या 5 जितने भी उपाय हैं सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम नेल्स को साफ कर सकते हैं, पीले नाखूनों को सफ़ेद कर सकते हैं। तो नाखूनों में जो हमारे गंदगी जमा हो जाती है उससे हमें ख़तरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग है, पेट की बीमारियां हैं, यहाँ तक कि लीवर डैमेज भी हो सकता है अगर हमारे नेल्स गंदे हों। यदि हमारे नेल्स हल्दी के कारण पीले हो गए हों तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगी। हमारे नेल्स जो हैं पीले सब्जी काटने से हो जाते हैं या किसी बीमारी के कारण भी हो जाते हैं। उन बीमारियों में एक मेन बीमारी है पीलिया, या स्वतंत्र तंत्र की बीमारी हो, कोई निमोनिया हो या कैंसर हो, इनके कारण से हमारे नाखून पीले हो जाते हैं। चारों उपाय बहुत ही आसान हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आप सब अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं, और जो भी सामान हमने लिया है वो इजीली हमारे घर पर अवेलेबल होता है। अगर आपके नेल्स अनार छीनने से काले हो जाते हैं तो आप सबसे पहले लीजिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेकर के आप उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है आपको, और उसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाना है। 2-3 चम्मच नींबू का रस मिला करके एक फाइन पेस्ट बना लीजिए, और एक बाउल में रख के उस पेस्ट को टूथब्रश की सहायता से लगाते रहिए। हल्के हल्के हाथों से आप अपने नेल्स पर ये अप्लाई करेंगे, फिर 10 मिनट तक लगा हुआ छोड़ देंगे। 10 मिनट तक लगा रहने के बाद आप इसे हल्के गुनगुने पानी से वॉश करके कोई भी अच्छी क्रीम लगा लेंगे तो धीरे धीरे अनार का जो कालापन नाखूनों में आ गया है वो बाहर आ जाएगा। दूसरा हमारा तरीका है कि हल्दी के प्रयोग से अगर हमारे हाथ पीले या नाखून पीले हो गए हैं तो हम उसे कैसे क्लीन करें। हल्दी जो है, नींबू का यूज़ आप करेंगे तो हल्दी रेड हो जाएगी। फ्रेंड्स, आपको पता है अगर हल्दी के हमारे हाथ हैं और हमने नींबू लगा लिया तो रेड कलर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पहले इस पर कोलगेट से इसे उतारने की कोशिश कीजिए, फिर हल्का सा नारियल का तेल लगा लीजिए और कोई भी अच्छे हैंड वॉश से वॉश कर दीजिए तो आपके नाखून सफ़ेद हो जाएंगे। यदि आपको पीलिया बीमारी है जिसके कारण आपके नेल्स पीले हैं तो आप थोड़ा सा मूली का जूस निकाल करके प्रतिदिन पियेंगे तो आपके नेल्स धीरे धीरे बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। 100% सफ़ेद हो जाते हैं मूली के पत्तों का जूस पीने से फ्रेंड्स नाखून। अगर नाखून हमारे काले हैं जिनमें हमारे मैल फंसा हुआ है तो उसके लिए हम एक उपाय और कर सकते हैं। हमारे घर में नींबू के बचे हुए बहुत सारे छिलके होते हैं जिसका यूज़ करके हम अपने जो छिलके का बचा हुआ पार्ट है राउंड वाला उसमें हमारे नेल्स को हल्के हाथ से रब करें तो हमारे नेल्स बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो तरीका है, आप टूथपेस्ट ले लीजिए, कोई भी अच्छा ग्लिस्टर का या कोलगेट या कोई भी अच्छा टूथपेस्ट या कोई भी हर्बल टूथपेस्ट भी आप ले सकते हो। एक टूथब्रश लीजिए, फिर अपने नेल्स को उससे साफ करके गुनगुने पानी में धो करके कोई भी अच्छी क्रीम लगा लीजिए। यदि आपके नेल्स बिल्कुल ही नेल्स के आसपास की जगह काली है तो क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हमें एक बाउल में कोकोनट ऑयल गर्म करना है 3 चम्मच। 3 चम्मच कोकोनट ऑयल गर्म करके उसमें 1 चम्मच नींबू का जूस रखना है। 1 चम्मच नींबू का जूस और 3 चम्मच कोकोनट ऑयल को मिला करके दोनों को हल्का गुनगुना लेकर के जो नाखूनों के आसपास की स्किन काली हो गई है उस पर अप्लाई करके 20 मिनट तक छोड़ेंगे। हल्का सा रब करके फिर 20 मिनट बाद हल्का सा रब करके किसी टूथब्रश से हम उसका सारा मैल बाहर निकाल देंगे और गुनगुने पानी से धो करके हमारे हाथ साफ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो तरीका है वो है जैतून के तेल का। जैतून के तेल में या ऑलिव ऑयल में हम
एक चम्मच चीनी मिलाएंगे, जैतून का तेल और एक चम्मच चीनी हमें लेनी है। एक चम्मच उसमें हमें शहद डालना है। जैतून का तेल, चीनी और शहद तीनों का अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए, जिसमें हमारे दो चम्मच जैतून का तेल रहेगा, आधा चम्मच चीनी रहेगी और एक चम्मच शहद रहेगा। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आप एक फाइन पेस्ट बना लीजिए और अपने नेल्स पर या काली स्किन पर लगाइए, तो आपके नेल्स डेफिनेटली बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। ये मेरा खुद के आजमाइश किए हुए फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे फार्मूले अपने चैनल के वीडियोस में आपको पहले भी बता रखे हैं, आप वो वीडियोस भी देखिए। तो किस तरह से हमारे जो नेल्स में कीटाणु हो जाते हैं वो हमारे खाने में जा करके, पेट में जा करके, या हम आटा भिगोते हैं उसके कारण हमारा सब मैल हमारे पेट में चला जाता है। तो ये सब बीमारियां जो हैं अभी जो बढ़ रही हैं वो नेल्स के कारण बढ़ रही हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए, अपने नाखूनों को हमेशा साफ़ सुंदर और सफ़ेद रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।